विकराल चुड़ैल की डरावनी कहानी। यह एक डरावनी कहानी है जिसमें एक विकराल चुड़ैल का अस्तित्व है। ये कहानी है एक गांव की, जो कि पुराने पुराने खौफनाक किस्सों से भरा हुआ था। चलिए इस कहानी की गहराई में खो जाएं और जानें कि चुड़ैल के डर को कैसे झेला जा सकता है। कहानी वहां के एक छोटे से गाँव में शुरू होती है, जहाँ के लोग रोजाना अपने घरों के पास के जंगल में डर के साथ जी रहे थे। गाँव में एक पुराने भूतिया हवेली की कहानी थी, जिसमें एक विकराल चुड़ैल निवास करती थी। लोग कहते थे कि जो भी वहां जाता वह वापस कभी नहीं लौटता। एक रात गांव के एक युवक नामक रवि ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीते हुए हवेली के पास जंगल में घूमने का फैसला किया। उनके दोस्तों को डर था, लेकिन रवि के मन में चुड़ैल का कोई डर नहीं था। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो वहां एक भयंकर आवाज सुनाई दी। उन्होंने धीरे से एक पुराने द्वार को खोला और वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर की स्थिति बहुत ही भयंकर थी। दीवारों पर चिपके हुए थे कई पुराने चित्र, जिनमें विकराल चुड़ैल का भयंकर स्वरूप चित्रित था। रवि को कुछ खास नहीं हुआ और वह धीरे धीरे हवेली की खोज करने लगा। तभी उसने एक पुराने कमरे के दरवाजे को खोला और वहां चुड़ैल का डरावना सामना किया। चुड़ैल की आंखें लाल थी और उसके वस्त्र भी भयानक और काले थे। रवि को उसकी दहशत से घबराहट होती हुई महसूस हुई, लेकिन वह अपने दम पर काबू बनाए रखा। चुड़ैल ने रवि को देखते हुए उससे कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों आने दिया? रवि ने बेहोश होकर उत्तर दिया, मैं सिर्फ यहाँ की जांच करने आया हूँ। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें मेरा खास अतिथि बनने का आईना दिखाता हूँ। उसने रवि को एक पुराना दर्पण दिखाया, जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई दिया। रवि को देखकर डर उसके अंदर से भी निकल रहा था, लेकिन वह अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने आप को मजबूती से संभाला और चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हें डराने की कोशिशों में नहीं पड़ूंगा, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। चुड़ैल ने अचानक अपनी रूपरेखा बदल ली और उसने रवि के सामने एक बहुत ही सुंदर और स्त्रीलिंग का रूप धारण किया। रवि ने उसे देखकर हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी चाहने वाली हूँ रवि, तुम्हें मेरे साथ रहने का मौका मिल सकता है, बस एक शर्त पर। रवि ने चुड़ैल की आंखों में जादू का अंधकार देखा और वह जानता था कि यह एक धोखा है, लेकिन उसका वीरता और साहस उसे उस चुड़ैल के सामने अचल रहने में मदद कर रहा था। रवि ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मुझे मेरी स्वतंत्रता की परवाह है और मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी की गुलामी में नहीं रहूंगा। चुड़ैल ने रवि को तेजी से पकड़ लिया और वह अपने भयंकर रूप में आ गई। रवि की आवाज गूंज रही थी और वह चुड़ैल के आगे कमजोर हो रहा था। इसी बीच रवि के दोस्तों ने उसकी खोज शुरू की और वे हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने चुड़ैल को देखा और उसके सामने उसके दोस्त रवि को बंधक बना हुआ पाया। उन्होंने चुड़ैल के साथ लड़ाई की और उसे अपने दम पर मात दी। रवि को बचाने के लिए उन्होंने चुड़ैल को मार दिया और अपने दम पर रवि को बचाया। चुड़ैल की मृत्यु के बाद रवि और उसके दोस्तों ने हवेली को छोड़ा और उन्होंने कभी उस जंगल में फिर से कदम नहीं रखे। चुड़ैल के डर का समापन हो गया था और उस गांव में सुकून की वापसी हो गई थी।